नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। हम लगातार जनता के उस मिजाज को जानने की कोशिश कर रहे हैं जिस आधार पर 2019 का विधान लिखेगा, लोकतंत्र की नई रचना होगी। क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी या महागठबंधन में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा? तो जाहिर है हम वहाँ लोगों से बात करेंगे जहाँ लोगों का जमावड़ा होता है। ये चाय की दुकान है, काफी फेमस चाय वाला प्रधानमंत्री है। हाँ, तो वो प्रधानमंत्री बनेगा ना फिर से? हाँ, दोबारा। क्यों? आरोप तो लग रहा है कि 15 लाख खातों में नहीं आए। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, लेकिन वो ही बनेगा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। हम लगातार चाय पीने वाले लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकबीरपंथी। राजकबीरपंथी नाम है सर। राजकबीरपंथी जी। हाँ सर। किसका चलेगा? मोदी जी चलेगा सर। मोदी चलेगा। मोदी। क्यों? सागर का विकास मोदी है, और कोई नहीं है। और लेकिन यहाँ विकास हुआ नहीं, सागर बहुत पिछड़ा। सागर विकास के ऊपर डिपेंड नहीं करता सर। अच्छा, मोदी पे डिपेंड? मोदी पे डिपेंड करता। मोदी पे डिपेंड करता है क्या? दादा मोदी या राहुल गांधी? हम को नहीं जाने। आपको लगता है? आपको लगता है? जी हाँ, मेरे को लगता है मोदी इस बार फिर आएंगे। क्यों आएंगे मोदी? ये चाय वाला मेहनत करता है, मोदी जी ने भी मेहनत की है। नहीं समझे? मोदी जी नहीं आएंगे। हो सकता आ जाए। आपको लगता आ जाएंगे? नहीं आएंगे। कौन आएगा? कांग्रेस सरकार आई केंद्र में। हाँ, केंद्र में। केंद्र में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी। तो राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री भाई जान? मोदी जी आएंगे। मोदी, क्योंकि गरीबों को घर दिए हैं, देश में जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको दुरुस्त किया है। पहले का आतंकवादी घुस के चले आते थे, आज उनके डर से अंदर नहीं आते हैं। मोदी आएंगे। मोदी मोदी आएगा? मोदी क्यों आएगा? मोदी मोदी काम अच्छे कर रहा है। और मोदी पे आरोप लगने 15 लाख खाते में नहीं डाले। अरे जी, तो सर जो वो अपनी चीज है, जीएसटी से आज पैसा आया है, विकास हो रहा है, 2.5 लाख रुपए गरीबों को मिला हुआ है। कहाँ से इसके पहले किस सरकार ने दिया? आरोप तो लगते हैं। अब आरोप लगाने में लगा रहे हैं, वर्क तो वही कर रहा है ना, और किसने वर्क करके दिखाया? बताइए आप। राज बहादुर सिंह और प्रभु सिंह है आमने सामने, भाजपा से राज बहादुर सिंह, कांग्रेस से। तो आपको लगता है भाजपा यहाँ ठीक ठाक पोजीशन? हाँ, पोजीशन में तो है, पोजीशन में है, पोजीशन में है, बहुत बेहतरीन। तो हम लगातार और लोगों से बात करेंगे। क्या है हिंदुस्तान के जो है वजीर आजम चाय बेचा करते थे, और आप देख सकते हैं किस स्टाइल में चाय बेची जाती है। ये चाय बन रही है, फिर रात धूप में मेहनत करते हैं। किसके साथ रहेंगे? मोदी के साथ। मोदी के साथ जी। अरे चाय के साथ रहेंगे? जी जी। क्यों रहेंगे? चाय वाले के साथ क्यों रहेंगे? चाय वाले बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। आपको रोजगार तो उन्हें दिया नहीं? रोजगार का हम खुश हैं, खुश, बहुत खुश हैं। हाँ, अरे इसी चाय से खुश हैं। हाँ, तो ये चूंकि मोदी चाय बेचा करते थे, इसी बहाने एक चाय वाले की वोट जरूर मोदी को जा रही। आपको लगता है मोदी आएंगे? बिल्कुल मोदी आएंगे, वापस मोदी आएंगे। मोदी आएंगे, लेकिन लगता है 15 लाख खाते में नहीं आए, लोग भरोसा नहीं कर रहे। तो 15 लाख खाते में नहीं आए, इसको आप कैसे गिनेंगे? अगर 2.5 लाख का आपको घर बना मना मिल गया है तो वो आपके खाते में आए हैं। अगर आपको रोड अच्छी बनी मिल रही है और उसमें आपका अगर 100 रुपये का पेट्रोल हर दिन बच रहा है तो वो आपके खाते में आए हैं। अगर आपको टैक्स चोरी बचने से अगर आपके कुछ कीमतें कम हो रही हैं तो पैसा आपके खाते में आए हैं। 15 लाख खाते मिल जाना मतलब ये नहीं कि अगले दिन आपके खाते 15 लाख डेबिट हो जाए। ये अगर ये स्प्रिट है बोलने की, और ये इस तरह से तथ्यात्मक किसी चीज की बात प्रस्तुत करने की, तो जाहिर है एक शेर है कि कौन सी बात कब कहाँ कही जाएगी, ये सलीका है आप में, तो आपकी हर बात सुनी जाएगी। तो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि 15 लाख की असलियत कहानी क्या है। अगर विकास हुआ है और यहाँ की आवाम मानती है कि विकास हुआ है, तो जाहिर तौर पर यही 15 लाख। आपको लगता है इस तरह से 15 लाख आ गए? हाँ ना, अभी लोगों को केवल देखने की आदत है कि मेरे खाते में कितने आए, खाते नहीं, थोड़ा थोड़ा करके अगर आपकी बचत हो रही है, कहा जाता है अगर आप पैसा कमा नहीं रहे हैं और अगर आप पैसा बचा रहे हैं तो अभी आपकी इनकम है, तो अगर आपका पैसा बच रहा है तो भी आपकी इनकम है। तो 5 साल में मुझे लगता है कि काफ़ी जो है जीएसटी आप कह लीजिए आप, और जो है नोटबंदी कह लीजिए, और बाकी जो भी उन्होंने काम किए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कह लीजिए, आतंकवादियों के कमर तोड़ना कह दीजिए, अभी इतने समय में एक भी विस्फोट नहीं हुआ है वो कह लीजिए, और अभी हाल ही में जो है मसूद अजहर को जो है
अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करवा दिया गया है, जिस पर चीन कितनी समय से वीटो पावर अपना जो है लगा रहा था, वो कितनी बड़ी कामयाबी है इस देश की, जो चीन हमेशा पाकिस्तान के यहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, हमेशा पाकिस्तान का साथ देता था, लेकिन आज वो भारत का साथ दे रहा है, तो ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। इसको हम 15 लाख में नहीं आंक सकते हैं। बिल्कुल जाहिल ये आरोप है, ये वो आरोप लगा करते हैं। सियासत में यही अंदाज होता है कि विपक्ष की पार्टियां आरोप लगाती है। कभी सदन में अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि बात वो बेमानी होगी कि हम ये कहे कि सत्ता ने सरकारों ने काम नहीं किया। तो हम उन लोगों से मुखातिब है। क्या नाम है आपका? रामचरण प्रजापति जी। क्या है इस बार लगता है? हाँ, मोदी जी आएंगे। मैंने कोई बात न ची तो मोदी जी आएंगे, का चाहे बात हो चाहे न हो, और जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो गया वो भी अच्छी हो गया, इसलिए मोदी आएगा। तो मैंने कुल लिहाज से कोई गिला सेकवा नहीं है। वो जो जमाने की बात है कि इनने ऐसा करो जो करो वो करो, ये कुछ नहीं, वो तो जो उनने किया वो सही है। ये अगर मानते हैं कि मोदी ने जो किया सही है? नहीं, कंफर्म नहीं है। सही है। हाँ, माने हाँ। हमारा ये कहना है कि राहुल गांधी एक चेहरा है, वो भी अपनी बात रख रहे हैं हिंदुस्तान में, और अपनी बात मोदी भी रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों चेहरों में आप किसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राहुल गांधी में वो स्पार्क है जो हाँ बिल्कुल है, स्पार्क है। और उनने भी कई जगह जाके मतलब कई लोगों का मतलब किसानों का कर्जा माफ भी किया है अभी एमपी में, और अब उनको मौका मिला है 15 साल बाद, तो वो कुछ अच्छा ही करेंगे। आपको लगता है बदलाव का? नहीं, वक्त बदलाव का नहीं है। मोदी जी आएंगे, इसके लिए कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वगैरह जो आज तक कोई भी नहीं बनाया हुआ है वो मोदी ने बनाया है। आज एक इतिहास लिख दिया है कि झुग्गी झोपड़ी जो भी थी मोदी जी ने दी है, उसी की देन है। आपको लगता है चाय पी रहे हैं? अच्छा, आपको लगता है मोदी जी ने हमें हिंदू होने का पूर्ण एहसास दिला दिया। हम गर्व से उस बात को मानने के लिए तैयार हो गए हैं, नहीं तो उससे पहले तो कह भी नहीं सकते थे हम। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? मोदी ने जागृत कर दिया जनता को और दिखा दिया कि हिंदुत्व में ही एकता में ही दम है। एकता में दम है। और भी कौमें हैं क्या? उनका भी देश नहीं है? है, का देश है। मगर सब एकता में आएंगे ना? अभी जो फूट जल रही थी उस कारण से हम कमजोर पड़ रहे थे। अब उनने सिखा दिया कि एकता ही सबसे बड़ा बल है, तो हम मिलजुल के रहेंगे। ये किसी और पार्टी ने ये नारा नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने दिया जी। आपको लगता है मोदी ने एकता का नारा दिया? लगता है लगता। कौन जीतेगा? आप जो उनको जीतना है जीतेगा वो। आप जैसे जिताएंगे वो जीतेगा? किसको जिताओगे? जो काम करेगा उनको जिताएंगे। आप कहाँ रहते हैं? हम परकोटा पे। परकोटा में कुछ समस्या है? पानी आता है ठीक से? हाँ आता है। नाली प्रॉपर बनी है? सही बनी है। वहाँ जो है गरीबों को आवास मिले हैं क्या वहाँ पे? जी मिले। सरकारों ने काम किया? हाँ किया है। तो कुल लिहाज से सरकारों ने काम किया। हमारे साथ और लोग, क्या नाम है आपका? प्रकाश ठाकुर। लगता है कि बदलाव होगा या फिर मोदी? नहीं, बदलाव तो नहीं होगा, मोदी जी आएंगे। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि बोस के लाने के आना ही चाहिए। देश का एक हिटलर है, हिटलर जरूरी है देश के अंदर रहना। देश के हिटलर जरूरी? जी हाँ। क्यों हिटलर? हिटलर जैसा काम ही किया है आज तक 70 साल में, जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जो उसने 5 साल में करके दिखा दिया, इसलिए हिटलर ही है, इसको आना भी चाहिए। अगर फ्रांस के जोसेफ हिटलर का अगर कोई विरोध करते हैं, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान से एक व्यक्ति ये बात करता है कि कहीं ना कहीं देश में हिटलर भी होना चाहिए। हम उन लोगों से मुखातिब होंगे और जनता से लगातार जो है हम बात किया। ये बहुत यंग चेहरे हैं आप, पकड़ो भाई। क्या नाम है आपका? रामजी रजक जी। हाँ, वोट आ गई आपकी? अभी नहीं आई। आपकी आ गई? अभी हमारी भी नहीं आई। आपकी वोट नहीं आई? नहीं। तो कुल लिहाज से इनको, हम और लोगों से बात करेंगे। और अगर आप बात करें
नहीं हम तो दिल्ली से हैं, दिल्ली से हम तो दिल्ली, ये दिल्ली की, दिल्ली में तो सल्तनत है, दिल्ली हाँ, में तो सरकार बनेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली के क्या हालात है? दिल्ली में सब जगह मोदी मोदी है, मोदी मोदी। हाँ दिल्ली में सब जगह मोदी है। दिल्ली वाले तो कहते हैं वहाँ पार्टी का बड़ा जोर है। ना ऐसा कुछ नहीं है। आप पार्टी का जोर नहीं? कुछ नहीं है। दिल्ली में सातों सीटों पर आ जाएगी क्या? सातों में, पूरा सातों में आएगी दिल्ली में सातों। आपको लगता है मोदी जीतेंगे? मुझे तो नहीं लगता। हाँ तो राहुल गांधी बनेंगे? राहुल गांधी भी नहीं बन पाएंगे। और कौन बनेगा? थर्ड पार्टी का कोई भी पीएम बनेगा इस बार। अच्छा, चाहे मायावती बन जाए, चाहे ममता बनर्जी या फिर अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, इन तीनों के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। तेजस्वी नहीं बन पाएंगे। अच्छा हाँ, आपको लगता है? 100% लगता है। तीनों में से क्योंकि आजकल जो न्यूज चैनल में सर्वे बता रहे हैं उनमें महागठबंधन जो है सबसे आगे बता रहा है सबसे ज्यादा। महागठबंधन महागठबंधन अकेला यूपी में है, बिहार में भी है और अन्य राज्यों में भी छोटे छोटे स्तर पे छोटी छोटी जो पार्टियां मिलकर बना रही हैं, जो गठबंधन चल रहा है। राहुल को नेता नहीं मानते? वो राहुल को नेता नहीं मानते, उनके वो केवल मायावती, अखिलेश यादव या फिर अपना ममता बनर्जी को ही नेता मान के चल रहे हैं। ममता बनर्जी को नेता। क्या नाम है आपका? नर्मदा प्रसाद चौरसिया। नर्मदा प्रसाद चौरसिया जी, कहाँ के हैं आप? सागरई के। सागरई के। देवाल का है? देवाल मोदी सरकार बने हैं। सरकार ही बन जाए, यहाँ से कौन जीत जाएगा? यहाँ से प्रभु सिंह जिसे कहते हैं। प्रभु सिंह। अब हाँ। मोदी सरकार बना, मोदी सर, मोदी लाइन सरकार बना मैं देश है। इधर प्रभु को गजब, माने मोदी की सरकार बनना चाहिए प्रभु के साथ में, तो आपको लगता है? हाँ मोदी बन जाए, मोदी सरकार, मोदी सरकार। यहाँ से प्रभु सिंह, प्रभु सिंह मोदी सरकार और प्रभु सिंह। प्रभु सिंह कांग्रेस के नहीं जी, वो बीजेपी के। बीजेपी के, क्या नाम है उनका? राज बहादुर सिंह। राज बहादुर सिंह। आपको नाम नहीं मालूम? ध्यान भूल गए थे। चिन्ह वाला मालूम है? बोल क्या नाम है? मुन्ना पटेल था जी। हाँ इस बार लग रहा है क्या मोदी या राहुल गांधी? मोदी ही सरकार आएगी। तो यहाँ से राज बहादुर जी गारंटी पक्का 100% 100% लोग कर दे, लोग ही कर दो। 100% फाइनल है, बिल्कुल फाइनल है। राजबहादुर से मतलब नहीं है, मतलब मोदी से है। मजबूरी है, जनता की मजबूरी है। अगर मोदी को देखना है प्रधानमंत्री तो राजबहादुर को वोट देना ही है। राजबहादुर मजबूरी हो सकते हैं, मजबूरी जरूरी है। मोदी जरूरी है, मोदी जरूरी है, मोदी जरूरी है, आपको मोदी जरूरी जरूरी बड़े। हमारा मतलब ये है कि विरोधी में नहीं लगता मोदी। कुछ लोगों, आपको लगता है मोदी नहीं? मोदी जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं है। हम लोग मजदूर हैं, किराए से रहते हैं, तो सुनाए नहीं हुई हमारी, हम नहीं देंगे मोदी को नहीं देंगे, राहुल गांधी को देंगे। हाँ 72,000 रुपए दे रहे राहुल गांधी। नहीं मैं तो मजदूरी करता हूँ सर, झूले पे लटक लटक के, और ना तो कुटी मिली है, कुछ नहीं मिला मुझको, कुटी उटी कुछ नहीं। मैं तो मजदूर हूँ, किराए से रहता हूँ और कुछ नहीं मिला। मैं तो नहीं, स्ट्राइक के नाम पे इन्होंने जो मतलब रोजगार और विकास की बात ही नहीं कर रहा, स्ट्राइक दे रहे हैं। उसके लिए हमारे जो नौजवान, हमारे शेर बब्बर बैठे हैं बॉर्डर पे, वो मूर्ख हैं, बस यही है कि ले जाके बंदूक लेके इनसे कहो कि गुलेल चलाना भी जानते हो। मोदी विकास की बात करो, हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, रोजगार कुछ नहीं है, सब स्ट्राइक की बात कर रहे हैं आप, है ना? विकास के मामले में रोजगार, हाँ विकास की नहीं बात कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे, गरीबी की बात नहीं कर रहे, विकास के नहीं, स्ट्राइक हमारे बब्बर से बैठे हैं सीमा पे बॉर्डर पे, वो मूर्ख हैं, जो गुलेल चला के बताओ मोदी जी से कहो। मोदी जी सर आपने सही बोला। क्या नाम है आपका? त्रिवेंद्र कुमार रजक। त्रिवेंद्र कुमार रजक। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी ने स्ट्राइक के बहाने लोगों को गुमराह किया? मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये कह रहे हैं कि मोदी जो है विकास के मामलों को छोड़ के सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मोदी जितना भी काम कर रहा है सब अच्छा काम कर रहा है। हाँ। मोदी जी की सरकार फिर दोबारा आ रही है। आ रही है मोदी की सरकार। पक्का आएगी, पक्का। सर्जिकल स्ट्राइक तो जरूरी थी। हाँ। जो सर्जिकल स्ट्राइक की उनने अंदर घुस के दुश्मनों को मारा, इतना उनका जो 36-56 इंच का जो सीना कह रहे थे वो उनने काम करके बताया मोदी जी ने, वो कर रहे हैं। मोदी जी को इस बार आना चाहिए। मोदी जी वायुसेना तो घुसी थी जब उनने हरी झंडी दी, जब तो घुसी थी, अब ऐसे थोड़ी घुस जाती।
इसलिए तो मोदी को फिर से आना चाहिए, अब आना चाहिए मोदी जी को आना चाहिए। विकास के मामलों पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। विकास के मामले पे देखो कितना विकास हो रहा है। इसके पहले चले जाओ दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ पे बिल्कुल बिहार बना दिया था। गड्ढे, ना परिवहन थे, ना बिजली थी, ना पानी था। आज देखो पानी की व्यवस्था, रोडें भी चौड़ी चौड़ी हो रही है, सब चीज की व्यवस्था। कमलनाथ तो जीत गए क्योंकि किसानों के साथ धोखा हो गया। उनने कहा कि हम तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे। उनने कहा कुटीर तो मिल गई है, चलो कर्जा भी माफ हो जाए। किसान वहाँ चले गए। अब उनने जब बैंक में गए बोले नहीं 50,000 ज्यादा का नहीं कर रहे हैं, जाओ कमलनाथ को ले आओ, जिसको ले आना उसको ले आओ, हम नहीं कर रहे। बैंक वाले क्या करे, माफ हो चुका है और कर्जा माफ हो चुका है। पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते आप? पेपर हम पढ़ते हैं। लेखा का हुआ है, बंडा का हुआ है, बंडा का हुआ है और बहुत सी लाभ मिला है मुख्यमंत्री ने करा है। हाँ, कमलनाथ ने पंजीयन कराया है, सोसाइटी वाला। अच्छा। हाँ, और कर्जा माफ भी किया। बैठे वो कह रहे हैं कि भाई हम उनके साथ बैठे। एक पचहत्तर किसी का हुआ हो, अन्य चार हजार रूपए मिल रहे आपको भर्ती मिल, अभी नहीं मिल रहे, प्रोसेस चल रही है, मिल रहे मिल हैं सारी चीजें। हाँ, हमारे ऑनलाइन की दुकान नहीं है। हाँ, आपको लगता है मोदी आएंगे? मोदी तो पक्का आएंगे। राहुल गांधी पूरे बहुमत से आएंगे, मोदी 99% फुल बहुमत से आएंगे। मोदी आएंगे फुल बहुमत से आएंगे। जो इन दो दो जगह की मोदी ने काम ही ऐसे कर रहे हैं, नाम इंडिया चल रहा है, विदेशों में चलने चालू हो गया। पहले चलते पूछते नहीं थे इंडिया वालों को, और आज तो मोदी को बुलाते हैं, क्या हो? मोदी आएगा और मोदी ही रहेगा, मोदी आएगा मोदी। जो हमारे 50 साल पहले जो काम नहीं हुआ है, जो हमारे अभी 15 साल के बीच में हुआ है। हाँ। गरीब आदमी मकान बनवा नहीं पाते थे कभी, अभी 5 साल के अंदर मोदी जी ने इतना किया है कि जो हर गरीब के पास रहने के लिए छत व्यवस्था की गई है। इसलिए मोदी सरकार एक बार फिर आएगी, फिर आएगी। तो हम लगातार ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है गुजराती बाजार कहलाता है, ये सागर का हृदय स्थल है, ये मुख्य बाजार है। यहाँ से कुछ आवाजें राहुल गांधी के लिए निकली, कुछ आवाजें नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। लेकिन फिर हम कहेंगे सलजी कल स्ट्राइक के बहाने मोदी ने जिस अंदाज में लोगों के दिल में जगह बनाई है, उस अंदाज को देखकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मोदी का नाम राहुल गांधी की अपेक्षा जरूर भारी है। एंटी इनकम्बेंसी जो सरकारों के खिलाफ होनी चाहिए वो यहाँ दिख नहीं रही। तो जाहिर है गरीबों को आवास मिले हैं, ये लोगों का कहना है। तो कुल लिहाज से अगर जनता की बात माने और उस तरह इन इंटरव्यू में जो लोगों ने बोला है उनके उन लोगों से हम इत्तफाक करें तो जाहिर है हिंदुस्तान में फिर मोदी की लहर है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। अगर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।